सुबह सुबह करने वाली तीन ऐसी गलतियां जो कि आपकी पूरी दिन की दिनचर्या को खराब कर देती हैं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल खराब कर देती हैं, और यह तीन गलती आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी कि अगर शुरुआत ही अच्छी हो जाए तो ऐसा समझ लिए कि आधा काम हो गया है। लेकिन अगर मान लो कि शुरुआत ही गलत हो गई, या अगर व्यक्तियों ने शुरुआत में ही गलती कर दी, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि पूरा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सीधी सीधी बात है कि अगर शुरुआत ही अच्छी नहीं है तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए ही आज हम जानने वाले हैं सुबह करने वाली तीन ऐसी गलतियाँ जो कि आपके शरीर को खराब कर देती हैं, आपकी दिनचर्या को खराब कर देती हैं, आपके स्वास्थ्य को खराब कर देती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं सबसे पहली गलती कि व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठता। हमारे ऋषि महर्षि और हमारे पूर्वज ऐसा कहा करते थे कि आप सूर्य को कभी भी पता ही न चलने दें कि आप कभी सोए हैं, यानी कि आपको सूर्य उदय के पहले उठ जाना है और आपको तब तक नहीं सोना है जब तक सूर्य अस्त ना हो जाए, क्योंकि प्राचीन समय में दिन की शुरुआत ही ब्रह्म मुहूर्त से होती थी। क्योंकि दोस्तों इस समय की जो हवा होती है, इस समय का जो वातावरण होता है वह शांत होता है। इस समय की जो हवा होती है वह सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, वह सबसे शुद्ध फॉर्म में होती है। और एक स्वास्थ्य प्रेमी को यही चाहिए कि वह इस समय की हवा को कभी भी छोड़े ना। तो आपको दिन की शुरुआत करनी है सूर्य उदय से पहले। दूसरी बड़ी गलती जो कि व्यक्ति शुरुआत में उठते ही साथ करते हैं कि पेस्ट लगाकर, जैसे कि कोलगेट, बबूल, क्लोजअप, तो ऐसे मीठे मीठे पेस्ट लगाकर अपने दांतों में घिसना शुरू कर देते हैं। और यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार और महर्षि चरक के अनुसार सुबह का जो समय होता है वह होता है कफ का, और यह जो मीठी चीज़ होती है यह कफ को बढ़ाने वाली होती है। सुबह के समय हमारे मुंह में ऐसी चीज़ जानी चाहिए जो कि कड़वी हो, जो कि तीखी हो, जो कि कशैली हो, क्योंकि यह जो तीन स्वाद होते हैं या जो तीन रस होते हैं यह कफ का शमन करने वाले होते हैं। और जैसे ही यह तीन रस हमारे मुंह में जाते हैं इससे हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, और आपको पता है कि पेस्ट में यह स्वाद दूर दूर तक नहीं मिलते। तो इसी के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि दातुन करें, या अगर आप दातुन नहीं कर सकते तो आप कर सकते हैं त्रिफला चूर्ण का दंत मंजन का इस्तेमाल। ना केवल इसका फायदा होता है दांतों के लिए, बल्कि इसका फायदा होता है हमारी डाइजेशन के लिए। इससे हमारी जठर अग्नि की वृद्धि होती है, हमें खुलकर भूख लगती है। तो ये रही दूसरी गलती। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जो है कि खाना खाने के बाद स्नान करना, या कुछ खाने के बाद स्नान करना। खाना खाने के बाद स्नान करना, ऐसे स्नान को राक्षस स्नान कहा गया है, यानी कि व्यक्ति को इस तरह का स्नान कभी नहीं करना चाहिए। या अगर उसने खाना खा लिया है तो कम से कम वह 3 घंटा रुके, क्योंकि दोस्तों खाना खाने के बाद हमारे शरीर का पूरा जो खून होता है वह हमारे पेट की ओर होता है, और जैसे ही हम स्नान करते हैं तो इससे हमारे पेट की ओर जो खून था वह पूरे शरीर की ओर जाने लगता है। फिर इससे होगा क्या कि खाना अच्छे से पचेगा नहीं, और इससे क्या होगा कि बीमारियां होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहां तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।